दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा ये जो फेरी चल रही है यहाँ पे फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। 2011 में इसको बनाया गया है बेसिकली, और ये क्यों बनाया है क्योंकि 1974 में मतलब अच्छा लगता है कि कैब अगर आपको मर्सिडीज मिल रही है तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। ये है सड़क गावा स्टेडियम के बाहर। स्टेडियम के अंदर तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा नज़ारा, लेकिन आज आप हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। एक नया दिन सिडनी में और अभी हम बिल्कुल तैयार हैं। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हमारी फ्लाइट है ब्रिस्बेन की। तो ये हमारी गाड़ी आ गई है दोस्तों। दोस्तों हम लोग ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं, ट्रेन बोर्ड की है। तो यहाँ पर आपको $129 का एक गो कार्ड मिलेगा जिसमें आपकी सभी राइड्स फ्री रहेंगी। हम लोगों ने जो एक गो कार्ड लिया है वो 5 दिन का है। इसमें प्लान क्लियर चल रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे अपने होटल की तरफ। तो गाइज फाइनली हम लोग अपने ब्रिस्बेन के होटल रूम में आ चुके हैं। से नाम है होटल का, रूम भी इस हिसाब से दिख रहा है, रॉयल ऑन द पार्क। ये देखिए हैप्पी ईस्टर की इन लोगों ने यहाँ पे चॉकलेट्स भी रखी हुई हैं। और ये हमारे रूम से बाहर का नज़ारा। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये बोटानिकल गार्डन है। और गाइज ये देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आज तक मुझे कहीं देखने को नहीं मिली, हमारे टीवी स्क्रीन पे हमारा नाम दिया जा रहा है। क्या बात है। तो दोस्तों हम लोगों ने होटल में थोड़ा बहुत रेस्ट किया, उसके बाद हमारे होटल के करीब ही एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाके हम लोगों ने खाना खाया। और अभी हम फिलहाल सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर जा रहे हैं साउथ बैंक। वहाँ पे एक आर्टिफिशियल मैन मेड बीच है। तो दोस्तों वो सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है यहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन से उतरे हैं साउथ बैंक के, और इस रास्ते को सीधा फॉलो करते हुए आपको आना है। खुले मैदान का लुफ्त लेते हो बच्चे, ये देखिए। और दोस्तों हम ये पहुँच गए हैं साउथ बैंक के बीच पर जो कि मैन मेड है, ये देखिए। दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा ये जो फेरी चल रही है यहाँ पे फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम भी यहाँ से फेरी बोट करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। गाइस हम अपने स्टॉपेज रिवर साइड पे उतर गए हैं, और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर उतरते ही साथ रिवर के साइड में जो बहुत ही बेहतरीन फाइन डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। तो दोस्तों अब हम लोग ऑलमोस्ट अपने होटल के आसपास पहुँच चुके हैं, खाना हम लोगों ने खा लिया है। और बताना चाहूँगा वैसे अभी हम लोग तो काफ़ी थक गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पार्टी फ्री हो तो आप लोग यहाँ पर फोर्टिट्यूड वैली जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा क्राउड मिल जाएगा, हैपनिंग क्राउड रहेगा। चलिए आज का दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो एक नए दिन के साथ आज ब्रिस्बेन में। तो अभी हम लोग फिलहाल होटल से बाहर आ चुके हैं, तैयार हैं दिन को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि बताया था हमारे होटल के एग्जैक्टली सामने जो है हम जा रहे हैं बोटैनिक पार्क में, थोड़ा सा वहाँ पे देखते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कोला सेंचुरी, जहाँ पर आपको कोलास देखने को मिलते हैं। तो चलिए तो दोस्तों जैसे ही आप इस बोटानिक गार्डन के अंदर आएंगे तो आपको ये मार्केट देखने को मिलेगी, जो कि
सिर्फ संडे को 8 बजे से लेकर 3 बजे तक लगती है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, कपड़े, प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये देखिए, बैम्बूज के नीचे खड़े हैं बेसिकली, बैम्बू ट्रीज। हवा जब चल रही है यहाँ पे, जब आपस में टकरा है तो बहुत ही खतरनाक आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि टूट के गिर पड़ेंगे नीचे। तो दोस्तों, ये जो आपको मार्क दिख रहा है, ये बेसिकली फ्लड लेवल चेक करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे बनाया था, जो कि 2011 में इसको बनाया गया है बेसिकली। और ये क्यों बनाया, क्योंकि 1974 में यहाँ पे 3 दिन इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि जिसकी वजह से 6700 घर और 5000 लोग अपने होमलेस हो गए थे। और तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं क्वाला सेंचुरी, जहाँ पे कैंगरू और क्वालास हमको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बस ने हमको उतार दिया है और यहाँ से आप अंदर जाएंगे, ये एंट्री है, अंदर जाएंगे आपको सामने टिकट काउंटर, सॉरी, आपको सामने टिकट काउंटर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एनुअल और डे पास दोनों अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये हम लोगों ने टिकट ले लिए, जो कि 2 लोगों की $98 की टिकट पड़ी है सिंगल डे की। यहाँ पे जो फोटो सेशंस होते हैं कोलास के साथ, वो 3:30 बजे बंद हो जाता है। Be careful. So, दोस्तों, ये है स्लीपिंग कोला कैफे, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोला जफ्फी मारकर सो रहे हैं दोनों। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर कोला फोटोग्राफ स्टेशन, जहाँ पे आप कोला को अपनी गोद में लेकर फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा लेट हैं, तो इन लोगों ने फिलहाल फोटोग्राफ तो अभी हमको मना कर दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि थोड़े सस्ते में आप इनको टच कर सकते हैं। और तो दोस्तों, यहाँ पे कोरा मचा रखा है इन लोगों ने। सो फाइनली वी गॉट अ चांस टू टच द कोला। We began to feel the fire. We rise like tall buildings. अब चल रहे हम कैंगरू फीडिंग कोला फॉरेस्ट। Take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. देखिए दोस्तों, कितना बहुत ही सुंदर, खूबसूरत पार्क बोलूँगा मैं इसे, जो सेंचुरी है बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से संवारा गया है इसे, जिसमें छोटी सी झील भी है। तो दोस्तों, अभी हम लोग फिलहाल कोला सेंचुरी से वापस आ चुके हैं, और बीच में हम लोग बस में से उतर गए थे, और हम लोग प्लान कर रहे हैं गाबा स्टेडियम जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, अगर पॉसिबल हो तो गाबा स्टेडियम के भी आपको दर्शन करवाते हैं। चलिए, ये यहाँ का देसी कौआ, ये देखिए दोस्तों। तो अभी हम लोग ये मिल्टन फेरी स्टेशन है, यहाँ पे चलते हैं।
बट साउथ बैंक। चलिए बताना चाहूँगा, ये जो प्लेटफॉर्म है इट्स अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, पानी में बनाया गया है इसे। तो दोस्तों अभी हम लोग मुआवे पार्क में उतर गए हैं और यहाँ से हम लोग अभी एक कैब कर रहे हैं जो कि आ रही है। ऊबर में दिखा रहा है कि मर्सिडीज़ बेंज है वो कैब हमारी जो है, तो मतलब अच्छा लगता है कि कैब अगर आपको मर्सिडीज़ मिल रही है तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। अरे अंकल कहाँ जा रहे हैं? यही आ जाओ इधर ही है। अच्छा, वो मोड़ रहे हैं गाड़ी। अच्छा, हेलो सर, वेरी गुड, हाउ आर यू डूइंग? तो हम आ गए हैं, ये देखिए गावा स्टेडियम के बाहर, और उसके बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। ये रोड है, स्टेडियम के अंदर तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको स्टेडियम के बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, ये है यहाँ पर प्लेयर्स एंट्री गेट, प्लेयर्स यहाँ से अंदर जाते हैं, यहाँ पे आके उनकी बस रुकती है और यहाँ से वो अपनी एंट्री लेते हैं। और ये रहा यहाँ पे टिकट काउंटर्स स्टेडियम की। तो दोस्तों किस्मत आज थोड़ा सा धोखा देगी, और कह सकते हो कि आज संडे था और थोड़ा लेट भी हो गए, हम शाम हो गई है, तो फिलहाल हमको अंदर जाने को तो नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ आप लोगों को यही दिखा पाएंगे कि गावा स्टेडियम के बाहर का नज़ारा क्या है। एनीवेज चलो एटलीस्ट ये तो पता लगेगा कि स्टेडियम कहाँ पे है, इसके आसपास क्या है। ये देखिए यहाँ पे आसपास का जो यहाँ पे व्यू है वो ये है। गावा स्टेडियम हमने आप लोगों को दिखाया आज बाहर से, और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, आपसे दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हो, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द।